बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन का ऐलान हो गया है। इस ऐलान के दौरान बसपा सुप्रीमो मायावती के एक बयान के दौरान पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल ठहाकों से गूंज उठा। जी हां दोस्तों, और आप देख रहे rebellionvoice.com, आइए बताते हैं आपको पूरा मामला क्या है। इस दौरान सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी अपनी हंसी को रोक नहीं पाए। दरअसल मायावती ने अखिलेश के चाचा शिवपाल पर चुटकी ली। हाल में शिवपाल ने सपा से अलग होकर अपनी नई पार्टी बनाई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मायावती ने अखिलेश के चाचा और समाजवादी प्रगतिशील मोर्चा के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे गठबंधन से डरकर बीजेपी अखिलेश यादव का नाम खनन घोटाले में घसीट रही है और CBI का दुरुपयोग कर रही है। बीजेपी की इस हरकत से सपा और बसपा का गठबंधन और मजबूत हुआ है और होगा। इसके साथ ही शिवपाल यादव पर पानी की तरह बहाया गया बीजेपी का पैसा भी बेकार चला जाएगा। मायावती ने कहा कि पर्दे के पीछे से बीजेपी द्वारा चलाई जा रही शिवपाल यादव की पार्टी समेत मुस्लिम, दलितों और पिछड़ों के नाम पर बनाई गई पार्टियां और बीजेपी के संगठन द्वारा खड़े किए गए प्रत्याशियों को यूपी के लोग अपना वोट देकर बर्बाद नहीं करेंगे। यूपी की जनता हमारे पवित्र और भाईचारे पर आधारित गठबंधन को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। प्रदेश की जनता से गठबंधन के प्रत्याशियों को वोट देने की अपील करते हुए मायावती ने कहा कि सर्व समाज के लोग इन बिकी हुई पार्टियों को वोट नहीं देकर गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताएंगे। इससे ही सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय का सपना पूरा होगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा का गठबंधन हो गया है। दोनों पार्टियां प्रत्याशियों की 80 सीटों में से 38-38 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बाकी 2 सीटों को सहयोगी पार्टियों के लिए छोड़ा गया है। इसके अलावा अमेठी और रायबरेली सीट पर गठबंधन की ओर से कोई प्रत्याशी नहीं उतारे जाएंगे। तो दोस्तों, ये था पूरा मामला। शिवपाल यादव पर क्या कहा मायावती ने और अखिलेश यादव ने क्यों हंसा उनकी बात पर? इसकी भनक पड़ते ही उसी दिन फिर बीजेपी ने घबराकर अपनी पूर्व की गई तैयारी के मुताबिक हमारे बने इस गठबंधन को कमजोर करने व तोड़ने के लिए एक सोची समझी रणनीति व साजिश के तहत सपा के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव का नाम जानबूझकर खनन मामले से जोड़कर व इनकी छवि को धूमिल करने के लिए मीडिया आदि में बड़े पैमाने पर उछाल दिया, जिसकी हमारी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है। और ऐसे में हमारी पार्टी पूरे तौर से हर स्तर पर इनके साथ खड़ी है, जबकि इस पार्टी को अर्थात बीजेपी को ये मालूम होना चाहिए कि इनकी इस घिनौनी हरकत से अब BSP व सपा के बने इस गठबंधन को और भी ज्यादा मजबूती मिल जाएगी और अब इससे इनका श्री शिवपाल यादव पर पानी की तरह बहाया गया पैसा भी जरूर ही बेकार चला जाएगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।